अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सैयद टीवी चैनल में वेलकम है। व्यूअर्स, आज मैं आपको फसल एक किनोला जो है उसको 5 किले 6 किले जितनी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको कम से कम टाइम में कटाने का एक जो तरीक़ेकार है वो आपको आज बताएंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप मेरी दाई साइड पर देखें, लेबर्स कम 10 बंदे हैं ये जो वर्किंग कर रहे हैं, और इन्होंने 3 से 4 किले जो है ना वो कम से कम 2 दिन में कट कर दिए हैं। अब 1-2 किले रह गए हैं, ये शाम तक जो है ना ये इंशाल्लाह ताला ये कवर कर देंगे। और आप ये देख रहे हैं, ये किनोला है, इसको थोड़ा सा जो ब्राउनिश करके कटवाना चाहिए। ये देख रहे हैं पत्ते, इसकी जो डलियाँ हैं, ये फली जो ये आपको ये दिखा रहा हूँ, कोई फली ब्राउनिश है कोई ग्रीनिश है, तो इसी तरह जो ये फलियां हैं मिक्स हो जाएं तो हम जो है इसको कटवा देना चाहिए ताकि ये किरने से बच जाए। किरने का मतलब जो है पंजाबी में वो आपको मैं बताता हूँ, ये देखें। अब जैसे कि ये एक पौधा है, इसके ऊपर किनोले की फलियां लगी हुई हैं, तो इस फलियां को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अब ये फली है, जैसे ये फली है, इसको मैंने हाथ के साथ ऐसे किया है और ये हाथ के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें से इसके बारीक बारीक दाने निकल रहे हैं, ये किनोला होता है एक्चुअली। अब ये जो फली है ये खुश्क हो चुकी है, अगर ये थोड़ी सी और खुश्क होगी तो ये जब हम इसको काटेंगे यहाँ से, जैसे ये चीज़ है यहाँ से हम काटेंगे इसको यहाँ से, तो ये ऐसे ऊपर से हिलेगी, उससे हिलने की वजह से जो इसके अंदर फलियों के अंदर बीज है वो सब ज़मीन पे गिर जाएगा। इसलिए इसका जो बेस्ट टाइम है कटाने का वो यही टाइम है कि इस टाइम पे आप इसको कटवाएं, ताकि जो है ना आपको मसला ना बने और आपका जो बीज है वो ज़ाया ना जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही थ्रेशर लगेगी तो आपको फिर हम उसके थ्रेशर से भी इसको निकालने का मेथड बताएँगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में किनोले को कटवाना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो, और जो बीज कच्चा भी रह जाएगा इसमें तो वो 5 से 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएगा और आपकी जो है बीज की जो मिकदार है वो अच्छी होगी, क्योंकि इसमें देखना ये बीज बन चुका हुआ है मुकम्मल तौर पर, मगर ये है कि अब ये ज़ाया नहीं होगा। इसलिए आप इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।